अर्जुन बामनिया जी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री, श्रीमती रमीला खड़िया जी, विधायक महोदया कुशलगढ़, श्रीमती रेशम मालविया जी, जिला प्रमुख साहिबा बांसवाड़ा, जैनेन्द्र त्रिवेदी जी, सभापति नगर परिषद बांसवाड़ा, वीर सिंह भूरिया जी, विधायक महोदय थादला मध्य प्रदेश, रघुवीर मीणा जी, सदस्य हमारे कांग्रेस कार्य समिति के और पूर्व सांसद, शंकर यादव जी, पूर्व महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, लोग मस्त हैं। भीमाबाई डामोर, चामणी जैन साहब, हसमुख जी सेठ, रमेश चंद्र जी डिंडोर प्रधान, रमेश चंद्र जी पंड्या जी, बबलू जी मेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष, सीकर जी अग्रवाल प्रमुख सचिव शासन सचिव, राजेंद्र जी भट्ट संभागीय आयुक्त, श्रीमती प्रज्ञा कमिश्नर जनजाति विभाग और तमाम अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज हुरतिंग खड़िया जी की मूर्ति का अनावरण संभव हुआ। हुरतिंग खड़िया जी को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता था। वे आदिवासी क्षेत्र बहुत ही सक्रिय और मेहनती व्यक्तित्व धनी थे। हमेशा वो कुशलगढ़ के बारे में कैसे विकास हो उसकी चर्चा मुझसे क्या करते थे। वो हमारे बीच नहीं रहे। आवाज आ रही है? व्हाइट हाउस से सर, व्हाइट हाउस में तो वॉइस मिल रही है, बट वहाँ कुशलगढ़ में नहीं आ रही उनको वॉइस। Enter the event panelist numeric password, followed by pound. आवाज आ रही है आपको? सत्येंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है सर, कुशलगढ़ में भी आ रही है। कंटिन्यू प्लीज। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि हुरतिंग खड़िया जी का व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व हमेशा समर्पित रहा है कुशलगढ़ के लिए, और आदिवासी समाज में बहुत ही सक्रिय रहे। वो NHY से शुरुआत करके राजनीतिक कैरियर को वो सरपंच भी रहे, प्रधान भी रहे, और उनको पार्टी ने अवसर भी दिया चुनाव लड़ने का विधानसभा का। अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हुए, पर मैंने देखा वो चाहे चुनाव जीते या हारे हों, किसी पद पे रहे या नहीं रहे, हमेशा उन्होंने कुशलगढ़ की जनता की सेवा करने में कभी कोई कमी नहीं रखी।
और इसीलिए मुझसे लगातार उनका संपर्क था। आज जो उनकी मूर्ति लगी है, मूर्ति लगाने का मायने ही होता है कि चाहे वो कोई सैनिक हो जो शहीद हुआ देश के लिए, चाहे कोई महापुरुष हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, मूर्ति लगाने का मतलब है कि आने वाली पीढ़ियां भी देखती मूर्ति की किसकी लगी है, क्यों लगी है, इनका क्या योगदान था समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करके वे लोग, नई पीढ़ी के लोग भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, हमें भी कुछ करके दिखाना है। इसीलिए ये मूर्ति के कार्यक्रम रखे जाते हैं और मूर्ति लगाई जाती है। और मेरा मानना है कि इस लिहाज से ये काम जो समिति ने किया है, मैं रमीला जी को, तमाम उनके साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगी है जिससे कि हमारी नई पीढ़ी प्रेरणा लेती रहेगी आने वाले समय के अंदर। और ये जो संकल्प व्यक्त किया है रमीला जी ने कि उनके अधूरे कामों को, अधूरे सपने को वो पूरा करने के लिए तमाम अपने आप को समर्पित रखेगी, मुझे यकीन है कि रमीला जी भी, उनके तमाम जो कार्यकर्ता हमारे कुशलगढ़ के हैं, जो जो सीधे संपर्क में थे उड़तन खड़िया जी के, वो कोई कमी नहीं रखेंगे। और जो जो सुझाव दिए जाएंगे सरकार को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार को कमी नहीं आने देगी कुशलगढ़ के विकास के लिए। वैसे भी हमारे कुशलगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, महेश जोशी जी वहाँ आते रहते हैं, और महेश जोशी का रिश्ता जो आपसे छिपा हुआ नहीं है आपका, और अभी तक बने रहना बहुत बड़ी बात है, जो वहाँ MLA रहे इंदौर के। और मैं आपको कहना चाहूँगा, रमीला जी भी जब कभी कोई काम लेके आई है तो मैंने मना नहीं किया है, तमाम उनके कामों को मैंने किया है, लंबी फहरिस्त है जो अभी वक्त नहीं है कि मैं उन तमाम कामों को गिनाऊँ। आप सबको मालूम है कि क्या क्या हम लोगों ने स्वीकृति जारी करी है, और आगे भी जो है जो सुझाव दिए जा रहे हैं उनको पूरा करेंगे। अस्पताल की बात की गई है, अस्पताल में चाहूँगा कि पूरी तरह कोई घोषणा करने से नहीं, घोषणा तो अपना आप करेंगे ही करेंगे इसकी, पर मैं चाहूँगा कि अच्छा ढंग का ये CHC जो है इस रूप में स्वीकृत की जाए, जिससे कि पूरे कुशलगढ़ के लोगों को वहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध हो सके अधिकांश संख्या के अंदर। और 50 साल पुराना यहाँ पर जो जर्जर भवन है उसकी नई बिल्डिंग बने, तो मैंने अधिकारियों कह दिया कि वो पूरा प्रोसेस करके मेरे पास लाएं, और समय आने पर हम लोग प्रॉपर वे में उसकी घोषणा करेंगे और शानदार बिल्डिंग बना के वहाँ आपको देंगे। एक कागला को तालाब निर्माण जो ग्राम बगाईचा ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ी पंचायत में सजनगढ़ की बात की गई है, इसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा अनुमानित है। ये मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि वो हम लोग स्वीकृति जारी करवाएंगे और उस काम को हम पूरा करेंगे। और बाकी जो क्षेत्र है आदिवासियों का, उसके लिए तो सरकार की टॉप प्रायोरिटी में क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हमारे विभिन्न योजना चली है, TSP एरिया अलग बनाया गया है, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे बांध बनाने की बात हो, सड़कें हो, चाहे शिक्षा हो, सब क्षेत्रों में इसमें पूरी प्रायोरिटी दी जाती है किसानों को भी। अभी आपको मालूम है कि पिछली बार भी हम लोगों ने छात्रों के लिए भी, अभी जो बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ पढ़ती है 10वीं 12वीं में, करीब 7,000 से अधिक स्कूटी उनको दी जा रही है और दी गई है, 70,000 विद्यार्थियों को पोशाक पुस्तक स्टेशनरी का काम किया गया है, करीब 45,000 से ज़्यादा प्राइवेट छात्राओं को और 47,000 ट्राइबल छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए अलग स्कीम बनाई गई है। माँ बाड़ी केंद्र में 1,50,000 से ज़्यादा बालक बालिकाएँ उसमें अनौपचारिक शिक्षा ले रही हैं,
ये आपके विभाग में करीब 1204 करोड़ का जो रखा गया है प्रावधान, आश्रम छात्रावास भी है, आवासीय विद्यालय भी है, खेल छात्रावास भी है, और तो जो खेल छात्र बच्चे रहते हैं उनके लिए 2600 रुपये प्रति माह प्रति छात्र भोजन सामग्री के लिए अलग से योजना बनाई गई। किसानों को 5,90,000 मक्का संकर मक्का के बीज मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराए गए, और तो जो पूरे क्षेत्र में कैसे चौमुखी विकास हो ये सरकार की मंशा है, इसीलिए डूंगरगढ़ हो चाहे डूंगरपुर हो चाहे वो बांसवाड़ा हो चाहे उदयपुर हो, हमेशा ध्यान दिया जा रहा है किस प्रकार से हम लोग विकास कर सकें। और तो रेल कनेक्शन होना था रतनगढ़ से रतन वहाँ पर डूंगरपुर तक, वो भी आपको मालूम है कि रुक गया बीच में। हमारा प्रयास है किस प्रकार से बांसवाड़ा जुड़े और किस प्रकार से वहाँ पर विकास के काम तेज गति से हों। और आपको तो मालूम है कि ट्राइबल एरिया को लेके सोनिया गांधी जी के दिल के अंदर भी, और राजीव जी ने तो प्रधानमंत्री बनते ही दौरे ही शुरू किए थे तो आदिवासी क्षेत्रों से किए थे, डूंगरपुर भी आए थे, मैं उनके साथ था उस वक्त में। वो एक मैसेज देना चाहते थे कि कांग्रेस सरकार जब बनी है तो टॉप प्रायोरिटी रहेगी आपके आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र राजस्थान के हों, गुजरात के हों, मध्य प्रदेश के हों, चाहे उड़ीसा के हों। उसी प्रकार उन्होंने शुरुआत करी थी, वही मंत्र आज भी सबके दिमाग के अंदर है और उसी रूप में सारे काम हो रहे हैं। आपका जो बनारस धाम है उसका अलग से रिकॉर्ड बोर्ड बनाया गया है, और अर्जुन बामनेरी को तो मालूम है, महेंद्र मालवीय जी भी है नहीं, ये सब जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने, भगोड़ा जी भी नहीं है कि किस प्रकार से 132 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन किए थे, बजट में घोषणा करी थी। आप सबको जान के खुशी होगी बनारस धाम जो आदिवासियों के लिए तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ 132 करोड़ 35 लाख की स्वीकृति जारी हो चुकी है, टेंडर जारी हो चुके हैं, जल्दी वो 1 महीने के अंदर अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी और वो जल्दी काम शुरू हो। ये बहुत बड़ा काम आपके क्षेत्र में होगा जिससे कि बहुत बड़ा विकास होगा, कुशलगढ़ चारों ओर से जुड़ सके, आगे बढ़ सके, उसके निर्माण काम भी हम लोग हाथ में लिए हुए हैं। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो अरुण बामनिया जी कह रहे थे कि तो इस मंत्रालय के मंत्री भी हैं और जो जो योजनाएं बनती है उसमें पूरी भागीदारी इस विभाग की रहती है TAD की, और मैं जो कमिश्नर बैठे हुए हैं यहाँ पर TAD के उनको भी कहना चाहूँगा कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि ये क्षेत्र कहरे चौमुखी विकास करे, इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और चाहे नौकरियों की बात हो, कई समय आई पहले भी आई थी तब भी हमने उनको हल किया है, हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि आदिवासी नौजवानों को, छात्रों को, छात्राओं को समय आने पर प्रायोरिटी मिले, नौकरियों के अंदर भी मिली भी है। और एक बात मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि जो ये कोरोना आया था उसमें ये खबर आ रही थी कि आदिवासियों में वैक्सीनेशन के लिए उत्साह नहीं है, तो मैं आपको निवेदन करूँगा कि वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है, ये महामारी बड़ी खतरनाक है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, दुनिया के मुल्कों में 3री वेव आ गई है, और हमारे मुल्क में भी, हमारे प्रदेश में भी पता नहीं कब 3री वेव आ जाए। आपने देखा होगा दूसरी वेव में बहुत खतरनाक तरीके से लोगों को तकलीफ हुई थी और किस प्रकार मृत्यु दर बढ़ गई, 3-4-5 दिन में ही लोगों के फेफड़ों के अंदर पहुंच जाता था ये कोरोना डेल्टा, बहुत खतरनाक है, और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई, कई लोगों को तकलीफ भी हुई, ऑक्सीजन की कमी रही, पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया, दवाई नहीं मिल रही थी उस वक्त में। तब भी आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने बहुत ही शानदार प्रबंधन किया, उसका समय पर सब
दवाएं उपलब्ध करवाई, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई। अब तो हम लोगों ने अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा रहे हैं, हवा से ऑक्सीजन बने, छोटे इक्विपमेंट भी, बड़े प्लांट लग रहे हैं, पूरे प्रदेश में तैयारी करेंगे आगे कैसी वेव आए तब भी हम लोग मुकाबला करने लायक बन सकें। वो तमाम आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। और अभी भी मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा इस मुबारक मौके पर कि कोरोना गया नहीं है, डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक है, डेल्टा प्लस और आ गया है कुछ क्षेत्रों के अंदर, राजस्थान में भी खाली बीकानेर में आया था, पर कब फैल जाए नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए हमने छूट बहुत दी, अभी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया रात को भी, परंतु जनता को चाहिए कि वो अपना आप को समझे लॉकडाउन के अंदर ही, बिना काम घर से नहीं निकलें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसीलिए इस फंक्शन के अंदर ही बहुत कम लोगों को बुलाया गया है, अच्छा किया आपने, ज़्यादा भीड़ नहीं करी। और ये भावना अगर सब में होगी तब जाके हम तीसरी वेव की खतरनाक स्थिति से बच सकते हैं। जितनी लापरवाही होगी उतना ज़्यादा हमें कष्ट होगा, चाहे वो गांव हो, चाहे वो जिले हो, चाहे वो प्रदेश हो। और ये सोच करके हम बार बार आगाह करें लोगों को कि आप मत समझिए कि कोरोना चला गया है। अभी जो खबरें आ रही है दुनिया के मुल्कों से बहुत ही खतरनाक आ रही है, कई जो राष्ट्र मुल्क जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे भी बहुत भयंकर तरीके से तीसरी वेव आई है, वहाँ डेल्टा पहुँच गया है और बहुत खतरनाक है। इसलिए एक तरफ तो हमने जो व्यवस्था की है उसमें आपका सहयोग रहा है आज तक, जब पहली वेव आई थी तब भी लोगों ने कोई कमी नहीं रखी, एक दूसरे की इमदाद करने में, मदद करने में, खाना खिलाना हो या सहयोग करना हो आपस में, सबने सहयोग किया। और MLA साहब ने भी और सबने मिलके भी खाने के पैकेट ही बंटवाए जिला प्रशासन के माध्यम से, सूखी सामग्री के भी, पका हुआ खाना भी, कोई कमी नहीं आने दी कहीं पे भी। सरकार ने भी हमने बार बार 1,000 रुपये 1,500 रुपये खाते में डाले हैं गरीबों के, जो रोजमर्रा की धंधे काम करते हैं, रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनके सर्वे करवाए हम लोगों ने, उनको अलग इमदाद दी है, गेहूँ और दालें बटवाई है, सब तरह से काम किया है। परंतु बचना है जिंदगी का, बचाव रखना है तो वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक है। और ये जो भावना आदिवासियों में जो फैली हुई है कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मैं समझता हूँ कि एक सर्वे मैंने देखा है पूरे देश के अंदर, उसमें राजस्थान सौभाग्य से वो राज्य जहाँ सबसे कम लोग हैं जो अनिच्छुक है वैक्सीन लगाने के लिए। कहने का मतलब कि ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं, जबकि बाकी राज्यों में 15%, 20%, 25% लोग हैं जो ये रिलेक्टेंट हैं या जो अनिच्छुक है। तो राजस्थान में सिर्फ जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ के लोगों में ये भावना घुसी हुई है, उसको आपको दूर करना है। आप आगे जाके प्रचार करें, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद में कम से कम जिंदगी सेफ हो जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद में भी कोरोना हो सकता है, मुझे भी वैक्सीन लगाने के बाद में, दो डोज लगाने के बाद में मुझे कोरोना हुआ था, पर बहुत माइल्ड हुआ, बहुत बहुत ही माइल्ड हुआ और उस पर खतरा नहीं रहता जिंदगी का। तो प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये विजय ओपन है, हमारे कई साथी जो कुशलगढ़ के नहीं हैं, पूरे प्रदेश के लोग हैं, वो भी सुन रहे होंगे, तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है हम सब मिलकर के राजस्थान में, अभी हमें जीवन बचाना है और आजीविका बचानी है। ये बात मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि हमारे दिल में भावना होनी चाहिए, कभी कोई राजनीतिक विचारधारा या कोई धर्म या जाति कोई वर्ग नहीं है, हम सब एक हैं प्रदेशवासी, और उसी ढंग से हमें सबकी मदद करनी है, सबके जीवन को बचाना है। और सरकार पूरी तरह रोजगार के जो रक्षक के रूप में काम करेगी, इसीलिए बार बार हम छूट दे रहे हैं, काम धंधे चालू हो, फैक्ट्री चालू हो, निर्माण काम चालू हो, और विकास के काम रुके नहीं। आप देखा होगा इस कठिन घड़ी के अंदर भी हमने जो बजट पेश किया
उसमें भी हमने आप सबके सहयोग से, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से हमने बजट में प्रोविजन किए विकास के, विकास ठप नहीं होना चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं पूरी तरह कामयाब रहनी चाहिए, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में हो, चाहे छात्रावासों को सहयोग करने के रूप में हो, तो हर क्षेत्र में, पानी में, बिजली की स्कीमों के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, बड़े बड़े काम हाथ में लिए गए हैं और सड़कें भी बन रही है, स्वास्थ्य सेवाएं भी और मजबूत हो रही है, सीएचसी पीएचसी तक, पानी की योजना है, घर घर जल की जो योजना है भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर कर रही है, दोनों का पैसा जो है 50% राजस्थान का है, 50% भारत सरकार का है, इस प्रकार की योजनाएं, वैसे 45% भारत सरकार का है, 45% राजस्थान सरकार का है, और 10% गांव वालों पे कहा गया गांव वालों से आप मजदूरी के रूप में लें या सामग्री के रूप में लें, परंतु विभाग सबसे बात करके गांव में जो समितियां बनी हैं उनकी सलाह से योजना बनाएगी, हर घर में पानी पहुंचे नल के द्वारा, वहां तक पहुंचने का काम सरकार ने हाथ में लिया है, और वो योजना राजस्थान में बहुत बड़े रूप में चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि समयबद्ध तरीके से 2024 का टारगेट है, हम चाहेंगे कि उसके पहले किस प्रकार से 80 लाख से ज़्यादा जो परिवार है वहाँ तक, उनके घरों तक पानी पहुँचे, और उसी ढंग से बड़े रूप में सब काम चल रहा है जिससे कि गांव में घर घर के अंदर पानी पहुँच जाए, हर घर में नल कनेक्शन कंपलसरी किया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में ये काम बहुत बड़े रूप में हो सकेगा। दूसरा, हमने चिरंजीव योजना लेके आए हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है बीमारी का, वो आपको फ्री में इलाज होगा आपका, उसके अंदर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल भी चिन्हित किए गए हैं, सरकारी अस्पताल पहले से हम लोग फ्री कर रहे थे, दवाइयाँ फ्री थी और टेस्ट फ्री थे, अब और मजबूत कर दी स्कीम को इंश्योरेंस के माध्यम से, तो आप देख रहे हैं कि उसमें हम लोग 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठा रही है बीमा कंपनी के माध्यम से, तो उसमें आप लोग भागीदार बने, जो पैसे वाले हैं उनसे जो प्रीमियम है इसका 1700 रुपये, उनका आधा 850 रुपये लिए जा रहे हैं, बहुत कम रकम है, बाकी लोगों के लिए सबके लिए फ्री है, और मैं समझता हूँ कि करीब 10% लोग मुश्किलें बचे होंगे, बाकी सब लोगों ने रजिस्ट्री करवा दिया है, तो आप लोगों ने, मेरा निवेदन है कि पूरे प्रदेश के अंदर आप लोग इस स्कीम के बारे में लोगों तक बात पहुँचाए, जिससे कि कोई आदमी सूचना के अभाव में पीछे नहीं रह जाए। अभी हमने जो कोरोना के अंदर जो मौत हो गई है उनके लिए पैकेज दिया है, कोई घर में कोई बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके माँ बाप नहीं रहे तो उनके लिए अलग पैकेज हैं, और जो विधवा हो गई बहन हमारी उनको भी पैकेज दिया गया है, तो पैकेज भी हमने अच्छा दिया है, जो हमारे अनाथ बच्चे हो गए उनको पहले 1 लाख रुपये इमीडिएटली अविलंब, उसके बाद 2500 रुपये प्रति माह, और 18 साल के होने पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, उसको पढ़ेगा खर्चा अलग होगा, और कोई विधवा महिला हो गई है तो उसको भी 1 लाख रुपए इमीडिएटली, और उसकी विधवा पेंशन मिलेगी उसको। इस प्रकार से कोशिश करिए कि दुखी घड़ी के अंदर हम लोग कैसे उनको सहायता कर सकें, सेव कर सकें, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कहने के तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं इतना ही कहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, जो आपकी विधायक महोदय है ये बहुत ही एक्टिव है, और मैं समझता हूँ कि जिस रूप में ये सभी विभागों के काम करवाती है, बाकायदा लिख के भेजती है, आके मिलती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उत्तम खड़िया जी के जो सपने थे वो उन्होंने
पार्टी में भी अच्छा काम किया, पार्टी में विस्तार करने के लिए गांव-गांव में जब SC ST प्रकोष्ठ था उसके माध्यम से काम भी किया और कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया। ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति आज लगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अगर कोरोना नहीं होता या इसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जहाँ जाते हैं अगर मैं जाऊँगा कहीं पर तो जो कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे बड़ी संख्या में, उनको रोक नहीं पाएगा कोई भी। ये सोच करके मेरा जाना हो नहीं रहा है, बाहर निकलूंगा तो भीड़ इकट्ठी होगी, फिर अगर कोरोना फैल जाएगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेगा नहीं, तो ये हमारे लिए समस्या बनी हुई है। वरना मैं खुद आता वहाँ पे आज के इस मौके पर, आपके बीच में बैठता, आपसे गपशप करता, आपकी सुख दुख की बातें सुनता और इस मूर्ति का अनावरण मैं खुद अपने हाथों से मांग करता। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना खत्म होने के बाद में कुशलगढ़ का मेरा दौरा बनेगा, मैं आपके बीच में हाजिर रहूँगा, कार्यकर्ताओं से भी वहाँ की जनता से मैं मिलूँगा और जो भी सुझाव मुझे मिलते रहेंगे बराबर काम होता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इसी के साथ मैं अर्जुन बाबू ने जो कहूँगा कि जो भी समस्या कुशलगढ़ की है, क्योंकि एक तरफ एरिया आ गया आपका राजस्थान में, विशेष ध्यान रखें और जो भी समस्याएं हैं या जो विकास के काम हैं उनको पूरी तरह ये पूरे करवाएं। वैसे तो ये पूरा उदयपुर के लगा के जो जो एरिया TSP में आते हैं उन सब जगह बहुत शानदार तरीके से काम चल रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहे हैं, सब जगह विकास के काम हाथ में लिए गए हैं। उसी रूप में मैं समझता हूँ कि काम आगे बढ़ेगा। उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि जो हमारे बॉर्डर एरिया है राजस्थान के, वो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि बॉर्डर एरिया में लोग कम जा पाते हैं, चाहे वो कुशलगढ़ बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, या हमारा धौलपुर हो, करौली हो, झालावाड़ हो या बारा हो, जैसलमेर हो या बाड़मेर हो, ये तमाम जो एरिया है, गंगानगर है, जो बॉर्डर के लगते हुए एरिया हैं, ये तमाम एरियाओं में मेरा विशेष फोकस रहता है कि वहाँ की समस्याओं में ज़्यादा ध्यान दें हम लोग, जिससे कि वहाँ विकास ठप नहीं हो, आगे बढ़ सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपका बहुत कामयाब रहा, उसके लिए मैं रमीला जी को, तमाम इनके समिति के लोगों को जिन्होंने मूर्ति का अनावरण का बीड़ा उठाया, उन सबको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छा काम किया। और बहुत लंबे अरसे से रमीला की इच्छा थी कि ये मूर्ति का अनावरण हो, पर मैं खुद भी पहले टाइम दे नहीं पाया। आज मुझे खुशी है कि हम सब बैठ करके इस प्रोग्राम को संपन्न करने में भागीदारी निभाई, हमारे जो कलेक्टर ऐसे बैठे हुए हैं और इसके साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हैं शिखर अग्रवाल, राजेंद्र भट्ट जी बैठे हैं, प्रज्ञा कमिश्नर बैठी हुई है श्रीमती प्रज्ञा जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका फोकस रहेगा TSP एरिया में जो समस्याएं हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे हल करें। सरकार की प्रायोरिटी भी वो एरिया है जो ज़्यादा पिछड़े हुए एरिया हैं, और हमारी दृष्टि के अंदर हम चाहेंगे कि जो TSP एरिया है उस पर कोई काम रुके नहीं, वहाँ पे तमाम सरकारी योजना जो घोषणा हुई होती है बजट के अंदर वो घोषणा ही पूरी हो, और TSP के विभाग जो TAD के विभाग है उनकी जो योजनाएं हैं वो भी ढंग से लागू हो, ये हम सब का प्रयास होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कमी नहीं आने देंगे। यही बात कहता हुआ मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि पैकेज दिया हम लोगों ने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेके आए हैं, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इससे बड़ा महत्व अभी रखता है जीवन बचाना। हमारे करीब 1,500 लोग मारे गए थे पहले पहली वेव में, और दूसरी वेव में करीब 4,000 लोग मरे हैं, और देश में 4,00,000 लोग मर गए हैं। आप कल्पना कीजिए दूसरी वेव कितनी खतरनाक थी। इसमें बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप कृपा करके अपने जीवन को बचाने के लिए इसको कोई लापरवाही नहीं लें पूरे प्रदेश के अंदर, और बहुत गंभीरता से लें। बार बार जो
चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबकी मंशा रहती है कि प्रोटोकॉल का पालन हो कोविड का। मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। मास्क से जो बचाव हो सकता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वैक्सीन नहीं लगाए जब तक मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। वैक्सीन लगाने के बाद में मास्क लगाना आवश्यक है। उससे अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे विश्व के अंदर मास्क लगाने को, डिस्टेंसिंग को, हाथ धोने को एक ही प्रोटोकॉल पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर है, सब मुल्कों के अंदर। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।